नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी पटना ने 61 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार में शुरू हुआ सड़क सुरक्षा सप्ताह, संभल जाए वाहन चालक। पकड़ी जाएगी जाति आधारित गणना में गलत जानकारी देना। भोजपुरी फिल्म अवार्ड का 17वां संस्करण 21 जनवरी को मुंबई में। विराट और रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ खेलकर रैंकिंग में लगाई छलांग। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी पटना ने 61 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना ने स्वास्थ्य विभाग बिहार के अंतर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटीज विभाग के विभिन्न डिसिप्लिन में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के कुल मिलाकर 61 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को रेलिवेंट डिसिप्लिन में पीजी, डीएम, एमसीएच, एमएस, डीएनबी डिग्री पास होने के साथ ही 2 से 3 साल तक का एक वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीख 20 जनवरी से 17 फरवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। देश के 500 आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में बिहार के 61 प्रखंड शामिल। केंद्र सरकार के द्वारा विकास के कई पैमाने से पिछड़े प्रखंडों में स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा, कृषि व जल संसाधन, वित्तीय समावेशन समेत कई चीजों में आगे लाने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बता दें कि इसके लिए देश के 500 प्रखंडों का चयन किया गया है, जिसमें 61 प्रखंड ऐसे हैं जो बिहार में आते हैं। इसके तहत अब चयन किए गए इन सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा, कृषि व जल संसाधन, वित्तीय समावेशन समेत सभी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें रैंकिंग दी जाएगी ताकि उनमें आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा बढ़ सके। बता दें कि इन प्रखंडों के लिए केंद्र के द्वारा अतिरिक्त फंड का भी प्रबंधन किया जाएगा। मालूम हो कि नीति आयोग के द्वारा इनकी रैंकिंग करने के लिए प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या का आधार बनाया गया है। बिहार का वैशाली बनेगा पर्यटकों का हब। जल्द ही बिहार का वैशाली पर्यटकों का हब बनने वाला है। बता दें कि भवन निर्माण विभाग की ओर से वैशाली में बुद्ध सम्यक संग्रहालय की सूरत को लेकर अलग से डिजाइन किया गया है, जिसे प्रशासनिक स्वीकृति के लिए कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव को एस्टिमेट भेजा जा चुका है। विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बुद्ध सम्यक संग्रहालय की सूरत का डिजाइन वास्तुविद द्वारा दिया जाएगा, जिसमें कलाकृति, मूर्तियों, ऑडियो विजुअल समेत अन्य चीजों को लेकर 73 करोड़ 86 लाख का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। मालूम हो कि भवन निर्माण के द्वारा इससे पहले से बुद्ध सम्यक संग्रहालय और स्मृति स्तूप से जुड़े 301 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य चल रहा है। पकड़ी जाएगी जाति आधारित गणना में गलत जानकारी देना। बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में 1 अप्रैल 2023 से दूसरे चरण की गणना के दौरान पहले चरण के दी गई सूचना का सत्यापन किया जाएगा और इस दौरान कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है जिससे दूसरे चरण के दौरान वैसे लोगों की पहचान की जा सकेगी जो 2 जगह रहते हैं लेकिन गणना के फॉर्मेट में भी दोनों जगहों पर जानकारी देते हैं। इस बात की जानकारी घर घर गणना करने पहुंच रहे कर्मचारियों के द्वारा भी लोगों को दी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जातीय जनगणना में कुल 204 जातियों की गणना की जाएगी। बिहार में आंगनवाड़ी केंद्र से सेवाओं को पाने के लिए आधार सत्यापन जरूरी। अगर आप बिहार में आंगनवाड़ी केंद्र से दी जाने वाली सुविधा का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि ICDS के द्वारा सभी जिलों को निर्देश जारी कर यह कह दिया गया है कि अब आंगनवाड़ी की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लाभुकों का अपना आधार कार्ड का सत्यापन करवाना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि आधार कार्ड का सत्यापन करवाने के लिए CDPU कार्यालय में 16 जनवरी से 15 फरवरी तक कैंप लगाया जाएगा, जिसमें लाभुकों के आधार कार्ड का सत्यापन पोषण ट्रैक एप्लीकेशन से किया जाएगा। बताते चले कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि विभाग के मुताबिक कई ऐसे लाभुक थे जिनका निबंधन ऐप पर नहीं था और ऐसे में सेविकाओं को पोषाहार देने में परेशानी होती थी।
पूर्णिया में घूस लेते गिरफ्तार हुआ राजस्व कर्मचारी। बिहार में इन दिनों भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए निगरानी विभाग के द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में निगरानी विभाग के द्वारा एक और कार्रवाई की गई है। बता दें कि यह ताजा मामला बिहार के पूर्णिया का, जहां निगरानी विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर अंचल कार्यालय में कार्यरत राजस्व कर्मचारी अवधेश कुमार गुप्ता को घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अवधेश कुमार गुप्ता जमीन के दाखिल खारिज करने को लेकर मोहम्मद मुख्तार आलम से 35,000 रुपए घूस की मांग कर रहे थे, जिसके बाद शिकायत दर्ज होने पर निगरानी विभाग के द्वारा राजस्व कर्मचारी को रंगे हाथ 35,000 रुपए घूस लेते पकड़ा गया। बिहार बना ऐसा करने वाला पहला राज्य। बिहार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। बता दें कि बिहार देश के उन गिने चुने राज्यों में शामिल हो गया है जहां महज एक फोन कॉल करने पर शहरी क्षेत्रों में 35 मिनट पर और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट पर एम्बुलेंस की सुविधा लोगों को मुहैया करा दी जाती है। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड यानी कि IPHS के अनुसार राज्य में 86,000 की आबादी पर एक बुनियादी रक्षक एम्बुलेंस तथा 2.17 लाख की आबादी पर एक उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपलब्ध है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां 534 प्रखंड में एक एक उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस की सुविधा लोगों को दी गई है, जिसमें वे सभी तमाम आधुनिक सुविधा मौजूद है जो किसी मरीज को आपातकाल में जरूरत पड़ सकते हैं। आज से लोगों को मिलेगी ठंड से राहत। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की वृद्धि का अनुमान है, जिससे लोगों को थोड़ी ठंड से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी भागों में शीत दिवस की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य के एक या दो स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति राज्य में 13 जनवरी यानी कि कल भी बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ और उत्तर पछुआ हवा की गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। पूरे प्रदेश में इसके चलते दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं रात के तापमान में 24 घंटे तक कोई बदलाव नहीं होगा। मधुबनी में महादलित बस्ती के लोगों से मिले सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा बीते दिन बिहार के मधुबनी जिले पहुंची, जहां उन्होंने रहिका प्रखंड के जगतपुर पंचायत के वार्ड 4 स्थित महादलित बस्ती में रहने वाले लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और उस बस्ती का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे मिथिला चित्रकला संस्थान में विभागीय समीक्षा करने पहुंचे। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने अपने समाधान यात्रा के दौरान जीविका दीदियों से भी बातचीत की और कहा कि पहले सिर्फ पुरुष काम करते थे पर अब महिलाएं भी करेंगी। उन्होंने कहा कि अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे तो राज्य का विकास होगा। बता दें कि बीते दिन इस दौरान नीतीश कुमार ने झंझारपुर के अररिया में बने अर्बन मिथिला हाट का भी उद्घाटन किया। बिहार जातीय जनगणना में शिक्षकों की नहीं लगेगी ड्यूटी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने पर उनके द्वारा किए जा रहे विरोध को देखते हुए निर्देश जारी कर कहा गया है कि अब जातीय जनगणना में सहायक शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। अपर मुख्य सचिव के द्वारा पत्र लिख सभी जिला पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित कर कहा गया है कि उन सहायक शिक्षकों को जातीय जनगणना की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए जो इंटरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 2023 से संबंधित है, क्योंकि इससे परीक्षा के संचालन पर विपरीत असर पड़ रहा है। मगध विवि के छात्रों ने राज्यपाल फागू चौहान के काफिले को घेरा। मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा नालंदा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के लिए बापू सभागार में शामिल होने पहुंचे राज्यपाल फागू चौहान के लौटने के क्रम में उनके काफिले का घेराव कर लिया गया, जिस कारण राज्यपाल का काफिला 2 से 3 मिनट के लिए रोकना पड़ा। दरअसल ये सभी छात्र शैक्षणिक सत्र में हो रही देरी को लेकर नाराज थे और शहीद पीर अली खान पार्क के पास डेरा डाले हुए थे। ऐसे में इन छात्रों को राज्यपाल का काफिला दिखाई दिया, जिसके बाद छात्रों ने उनके काफिले को घेर उनके खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिए। हालांकि राज्यपाल के सुरक्षा में तैनात पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाया गया और फिर राज्यपाल के काफिले को आगे बढ़ाया गया। जानकारी के लिए बता दें कि मगध विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 2018-20 सत्र की परीक्षा अभी तक नहीं ली गई है, जिसे लेकर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। आगे की खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक खास सूचना। बिहारी न्यूज में पेड इंटर्नशिप करने का बड़ा मौका। अगर आप पत्रकारिता में परचम लहराना चाहते हैं या फिर इस क्षेत्र में आप नाम कमाना चाहते हैं तो बिहारी न्यूज आपके लिए एक अवसर प्रदान कर रहा है। इसका लाभ आप जल्द से जल्द उठाएं। इससे पहले हम आपको कुछ नियम और शर्तें बता देते हैं। इसमें अगर समय की बात की जाए तो ऑफिस में आपको फुल टाइम समय देना होगा। वहीं आपकी योग्यता मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या आर्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन यह ध्यान
ध्यान रहे कि यह इंटर्नशिप लोकेशन पटना होगा, जिसकी अवधि 4 महीने की होगी। अब बता दें कि पेड इंटर्नशिप के दौरान आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। स्टाइफन के रूप में आपको प्रति माह एक उचित राशि दी जाएगी। इंटर्नशिप के दौरान आपको कॉपी राइटिंग और एंकरिंग सीखने का मौका मिलेगा। जब आप 4 महीने का इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपका काम कंपनी के अनुकूल रहा तो आप कंपनी के पैरोल के आधार पर आगे काम कर सकते हैं, जिसमें आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या व्हाट्सएप कर या फिर sandeepkr.sem@gmail.com पर अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। बिहार में शुरू हुआ सड़क सुरक्षा सप्ताह, संभल जाए वाहन चालक। हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ऐसे में बीते दिन 11 जनवरी से इस वर्ष के सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 17 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान सभी जिलों के हर दिन लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के साथ हर दिन अलग अलग थीम पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अगर कोई नियम का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान गुड सैमरिटिन को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा इस दौरान 14 जनवरी को सभी जिलों में चालन क्षमता बढ़ाने हेतु ड्राइवर रिफ्रेश ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए इच्छुक ड्राइवर जिला परिवहन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे त्रिमोहिनी संगम के बारे में। त्रिमोहिनी संगम बिहार राज्य के कटिहार जिला के कटरिया गांव के निकट स्थित नदियों का संगम है। यहां प्रमुख रूप से कोशी का गंगा में मिलन होता है, जिसके साथ ही कलबलिया नदी की एक छोटी धारा की उत्पत्ति होती है। त्रिमोहिनी संगम भारत की सबसे बड़ी उत्तर वाहिनी गंगा का संगम है। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। इस जगह को पर्यटन स्थल की तरह विकसित करने के लिए बिहार राज्य पर्यटन विभाग ने वर्ष 2017-18 में 3.13 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है। यहां का प्रमुख आकर्षण केंद्र गाइड बांध झील, बाबा बटेश्वरनाथ मंदिर, माघी पूर्णिमा मेला, बापू का समाधि स्थल है। 3 लाख की अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार मद्य निषेध विभाग एक्शन में दिख रही है। इसी दौरान मद्य निषेध विभाग की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए राजधानी पटना से सटे हुए बीटा में बीटा चौक से इनोवा कार से ब्रांडेड कंपनी की अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। इसके साथ ही विभाग के द्वारा 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। इस मामले को लेकर बीटा थानाध्यक्ष के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मद्य निषेध विभाग और बीटा पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया था, जहां सफेद कलर की इनोवा से ब्रांडेड कंपनी की शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 3 से 4 लाख रुपए आंकी जा रही है, और साथ ही 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। वहीं फिलहाल अभी गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। भोजपुरी फिल्म अवार्ड का 17वां संस्करण 21 जनवरी को मुंबई में। जल्द ही भोजपुरी फिल्म अवार्ड के 17वें संस्करण का आगाज होने वाला है। बता दें कि इस बार इस भोजपुरी फिल्म अवार्ड शो का आयोजन 21 जनवरी को मुंबई में किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अवार्ड शो का आयोजन प्रसिद्ध फिल्म ट्रेंडिंग और आईटी कंपनी आई इव एरा के द्वारा की जाती है। वहीं इस अवार्ड शो को लेकर आई इव एरा के प्रमुख अशोक प्रसाद अभिषेक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस शो का आयोजन मुंबई के अथर्वा कॉलेज में किया जा रहा है, जिसमें कई फिल्मी सितारे शामिल होने वाले हैं। इसके साथ उन्होंने बताया कि इस बार आई इव एरा भी इस अवार्ड शो के आयोजन में अपना सहयोग दे रही है। फिलहाल अवार्ड शो को सफल बनाने के लिए फिल्मों का चयन से लेकर सबों के योगदान को शॉर्टलिस्टेड किया जा रहा है। सारण के लाल शिवम ने इंडियन आइडल के टॉप 8 में बनाई जगह। बिहार के सारण जिले के लाल शिवम ने इंडियन आइडल के 13वें सीजन में अपनी आवाज से सभी को अपना कायल बना दिया है। बता दें कि इन्होंने अपनी इसी आवाज के बदौलत इस शो में टॉप 8 में अपनी जगह बना ली है। शिवम सारण जिले के खैरा थाना क्षेत्र के ककड़िया गांव निवासी डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह और डॉक्टर माधुरी सिंह के पुत्र हैं। फिलहाल ये गुजरात के बड़ोदरा में अपने माता पिता के साथ रहते हैं, वहीं से उन्होंने इस शो में अपना ऑडिशन दिया था। शिवम के पिता बड़ौदा के एमएसयू में संगीत के प्राध्यापक हैं। शिवम भी स्नातक द्वितीय खंड में वहां गायन विषय से पढ़ाई कर रहे हैं। बक्सर की घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने कही ये बात। बिहार के बक्सर में किसानों और प्रशासन के बीच करीब 10,000 करोड़ की लागत से 1,320 मेगावाट का 4वां थर्मल पावर प्लांट का निर्माण होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं जब इस पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो मामला देखना पड़ेगा कि क्या है, फिलहाल हमारे संज्ञान में यह मामला नहीं है, लेकिन हम टेक्निकली दिखवाते हैं कि मामला क्या है, क्योंकि अगर ये मामला मुआवजे को लेकर है तो दिखवाएंगे कि वर्तमान में परिस्थिति क्या है।
दरअसल बगैर मुआवजा दिए फसल लगे खेतों में काम शुरू करने का विरोध कर रहे आक्रोशित किसानों ने बीते दिन चौसा पावर प्लांट पर हमला बोल दिया और साथ ही इस दौरान किसानों ने पुलिस के गाड़ियों में आग भी लगा दी। इस पर किसानों का कहना है कि पुलिस के द्वारा उन पर उनके घर में घुसकर बर्बरतापूर्ण पिटाई की, जिसके बाद किसान उग्र हो गए। चिराग पासवान को मिली जेट्स श्रेणी की सुरक्षा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान को जेट श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। इसके तहत चिराग पासवान की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्डों को तैनात किया जाएगा। इनके साथ ही 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड वीआईपी के घर पर रहेंगे। दरअसल आईबी के द्वारा दी गई एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उनकी जान को बिहार में खतरा है, इसी को देखते हुए उन्हें जेट श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार उन्हें यह सुरक्षा केवल बिहार में ही दी जाएगी। भाजपा के दावों की कृषि विभाग ने एक होली पोल। इन दिनों बिहार में यूरिया की कमी को लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं। इसी बीच बीते दिन बुधवार को बिहार कृषि विभाग के द्वारा राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए आपूर्ति का विवरण पेश किया, जिसमें यह पाया गया कि भारत सरकार के द्वारा 2022-23 में रबी मौसम में राज्य को आपूर्ति हेतु यूरिया की आवश्यकता का आकलन 12.70 लाख मीट्रिक टन किया गया है। बता दें कि अक्टूबर महीने से 11 जनवरी 2023 तक आवश्यकता के आलोक में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को केवल 68% यूरिया की आपूर्ति की गई है। इसके साथ ही विभाग ने यह भी बताया कि राज्य में उर्वरक के मूल्य एवं कालाबाजारी को लेकर नियमित रूप से जांच कराई जा रही है। मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए 3 महत्वपूर्ण फैसले। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मोदी कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल के द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी गई है, ताकि देश के रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम 2022 के तहत 3 मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का भी निर्णय लिया गया है। वहीं अब पीएम मुफ्त अनाज योजना के नाम बदलने पर भी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। बता दें कि अब इस योजना का नाम पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। विराट और रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ खेलकर रैंकिंग में लगाई छलांग। गुवाहाटी में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज विराट कोहली के द्वारा शतक, वहीं रोहित शर्मा और शुभमन गिल के द्वारा अर्धशतक जड़ा गया। बता दें कि विराट कोहली ने 87 गेंदों पर 113 रनों की पारी खेली, तो वहीं रोहित शर्मा ने 83 रनों की पारी खेली। इसी के साथ आईसीसी के द्वारा जारी किए गए ताजा रैंकिंग में विराट कोहली ने 2 स्थानों की छलांग लगाकर 6 स्थान पर अपनी जगह बना ली है, तो वहीं रोहित शर्मा भी 9 स्थान से उठकर 8 स्थान पर पहुंच गए हैं। बता दें कि इस लिस्ट में नंबर 1 पर अभी भी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बने हुए हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज भारत और श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। छत्रपति साहू जी को 1708 में मराठा शासक का ताज पहनाया गया। गोपीनाथ शाह की कोलकाता के पुलिस आयुक्त चार्ल्स ऑगस्टस टेगार्ट समझकर 1924 में गलती से एक आदमी ने हत्या कर दी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी सूर्य सेन को 1934 में चटगांव में फांसी दी गई। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया। 1948 में महात्मा गांधी ने अपना अंतिम भाषण दिया और सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध अनशन में बैठने का फैसला किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 12 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। भारत के पूर्व गेंदबाज बापू नाडकर्णी ने 1964 में मद्रास में इंग्लैंड के साथ पहले टेस्ट में लगातार 21 ओवर मेडन फेंके। 6 गेंदों के ओवर के इतिहास में यह अब तक का रिकॉर्ड है। जांजी विद्रोहियों ने क्रांति की शुरुआत और गणतंत्र की घोषणा 1964 में की। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर 1984 से हर वर्ष 23 मई इस दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई है। भारत का 2001 में इंडोनेशिया रूस चीन संधि से अहंकार। वाइल्ड कार्ड में आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लकी ड्रॉ के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लकी ड्रॉ के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से 6000 का फ्यूल सब्सिडी उपहार जीतने का मौका। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह लकी ड्रॉ फेक है, यह एक घोटाला है और इंडियन ऑयल सीएस से संबंधित नहीं है। व्हाट्सएप के इस फीचर से यूजर को मिलेगा शानदार अनुभव।
मेटा के मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप फॉरवर्ड मीडिया विद ए कैप्शन अलर्ट फीचर पर काम कर रहा है, जो मीडिया को कैप्शन के साथ फॉरवर्ड करते समय यूजर्स को सूचित करेगा। बता दें कि व्हाट्सएप को फॉरवर्ड मीडिया विद कैप्शन फीचर अब एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध हो गया है। ऐप का लेटेस्ट फीचर यूजर को ईमेल, वीडियो, GIF और डॉक्यूमेंट को कैप्शन के साथ फॉरवर्ड करने की अनुमति देगा। इसके अलावा इसमें आपको कैप्शन को हटाने का विकल्प भी मिलता है। यह फीचर्स यूजर को फॉरवर्ड करने से पहले मीडिया से कैप्शन हटाने की क्षमता भी देते हैं। यह फीचर्स यूजर्स उनके द्वारा भेजे जाने वाले मैसेज पर कंट्रोल बनाए रखने की अनुमति देता है। बिहार में जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में इस दिन होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना को लेकर नालंदा निवासी अखिलेश कुमार के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने का फैसला ले लिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले पर सुनवाई करने की तारीख 13 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। मालूम हो कि अखिलेश कुमार ने याचिका जारी करते हुए कहा है कि जाति आधारित जनगणना संबंधित अधिसूचना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है, इसलिए इस अधिसूचना को रद्द किया जाए और इस काम को आगे बढ़ने से रोका जाए। अखिलेश कुमार ने यह दावा किया है कि जातीय जनगणना कराना सिर्फ साफ तौर पर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। बताते चले कि बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत की जा चुकी है, जो कि दो चरणों में पूरी की जाएगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राहुल कुमार, पंकज कुमार दास, वेद प्रकाश सिंह, कुश कुमार यादव, अभिषेक कुमार रॉय, अंबिका कर्ण, मुटू रंगीला, रवि कुमार राम, पप्पू कुशवाहा, अनवर करीम खान, राजकुमार, अजीमा फिरदौस, कस्तूरी कुमारी, पंकज कुमार, रविशंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार श्रीलंका के खिलाफ आज खेले जाने वाले दूसरे वनडे में भारत जीत के साथ सीरीज पर कब्जा कर पाएगी या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।